ओके हेलो व्यूअर, दिस इज़ दानिश वसीम एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल दानिश अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। आज कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 6A और ये है D1 की। ठीक है, 6A का पहला क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट शोन इन द फिगर। फिगर मैंने ड्रॉ कर ली है, आपके पास बुक के ऊपर मौजूद होगी। सबसे पहले इसमें चीज़ हमें कार्टेशियन प्लेन का पता होना बहुत ज़रूरी है। कार्टेशियन प्लेन क्या है? अगर टू लाइन्स, एक हॉरिजेंटल हो और एक वर्टिकल हो, ठीक है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इनका इसका भी एंगल 90 डिग्री है, इसका भी, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है, लाइंस हैं तो इनके एरो हेड्स होंगे, ठीक हो गया। अब जब ये आपस में इस तरह इंटरसेक्ट करती हैं तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस भी हम इसको कह सकते हैं इन दोनों को, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये चीज़ आती है एक्स एक्सिस, ठीक है, आप यहाँ पे देखें, ये है जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करते हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ज़ीरो होता है यहाँ पे पॉइंट, ज़ीरो से आगे 1, 2, 3, 4 सो ऑन, मतलब ज़ीरो से आगे पॉजिटिव होते हैं 1, 2, 3, 4, ये जितने भी आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ज़ीरो से पीछे नेगेटिव, अगर आप काउंटिंग लिखें तो ज़ीरो से पीछे नेगेटिव ही होते हैं, -1, -2, -3, -4 सो ऑन। ग्राफ पेपर के ऊपर तो वो ब्लॉक्स बने होते हैं तो ईजी होता है। इसी तरह ज़ीरो से ऊपर पॉजिटिव 1, 2, 3 और ज़ीरो से नीचे नेगेटिव -1, -2 एंड -3, ये हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया। अब इनकी नेमिंग करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होते हैं हमारे, ठीक है, और ये हमारे एक्स डैश, जो नेगेटिव साइड है उसको एक्स डैश करेंगे। इसी तरह ये वाई एक्सिस, वाई और वाई डैश, ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट के एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट है हमारे पास आ गए, इस तरह प्लेस हो गए। अब इसमें एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या है? ब्रैकेट्स के अंदर दो चीज़ें अगर हमारे पास हों, ए बी, ठीक है, तो ये एक पेयर है और ऑर्डर में है। ऑर्डर में से क्या मुराद है कि एक्स एक्सिस में ये पहली वाली हमेशा एक्स वैल्यू होगी और दूसरी वाई, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अगर आए 3, 4 तो हमें पता है ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की, इसको हम वाई के ऊपर प्लॉट करेंगे और इसको एक्स के ऊपर प्लॉट करेंगे। अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे एक्स हमारा 3 है और वाई 4 है, 4 मैंने लगाया नहीं तो चले मैं लगा लेता हूँ, एक्स 3 है और वाई 4, यहाँ से ये इधर और इधर, इट मीन्स रन एंड राइज, रन 3 तक और राइज 4 तक, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस तरह प्लेस करते हैं। लेकिन ये भी हमारा क्वेश्चन नहीं, लेकिन फिर भी एक बेसिक आपको इसकी मैंने बता दी है, जामन पेपर दे मेरा बेटा जिससे हमने रेस किया था इसको, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे उन्होंने ग्राफ बना के पॉइंट लगा के दिए हैं, आपने वो जस्ट पॉइंट बताने हैं कि वो पॉइंट कहाँ पे, वो क्या बनते हैं, ऑर्डर पेयर उनके क्या बनते हैं। तो मैं इसको रेज करता हूँ, इसको भी रेज कर रहा हूँ, ओहो डी भी मैंने रेज कर दिया, चले उसको मैं लगा लेता हूँ, देखता हूँ डी कहाँ पर लगा हुआ था, डी ए 2 और इसका राइज है 4 तक, ये डी यहाँ था और इस तरफ कोई नहीं है। अब हमने यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रन कितना है और फिर देखेंगे राइज कितना है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसका रन कितना है, -1, -2, -2 रन है और राइज कितना है 4 तक, तो ये हमारा 4 है। देखिए मैंने एक्स पहले लिखा है और वाई बाद में लिखा है, तो ये हमारे डी के आगे कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब और लेते हैं ए, ए में भी पहले रन देखेंगे, रन हमारा ये 4 के पास आ रहा है, 1, 2, 3, 4 ये देखें, और राइज क्योंकि अब उसका डाउन हो गया तो ये नीचे आ रहा है इसके सामने, ठीक है। एक्स हमेशा पहले लिखा जाएगा, -4 एक्स की वैल्यू और -4, दोनों ही -4 हो सकते हैं। अब सी की तरफ आ जाते हैं, सी की तरफ रन देखते हैं हमारा कितना है, रन हमारा है 3, ठीक है, ये 3 और राइज है हमारा 4 तक, 3 तक रन और फिर 4 तक राइज, तो C की वैल्यू हमारे पास होगी, पहले X लिखा जाता है 3 और फिर 4 हमारे पास आ गया। अब F चेक करते हैं, रन कितना है हमारा, ऑलमोस्ट 2 है, मैंने थोड़ा सा उसको साइड पे लगाया, ये 3 के नीचे है, ठीक है, 3 के नीचे ये हमारा आ गया रन, और ये फिर इसका 3 ही ये है और -3 इसकी वैल्यू भी आ गई। इस तरह और भी आप देख सकते हैं, अगर इसमें नज़र आएँ, मुझे नहीं नज़र आ रहे, तो और पॉइंट भी आप इसमें देख सकते हैं, तो आपके पास ये सारे आ गए, ABCDEFB मुझे नहीं नज़र आया वैसे इसमें, और वाकई मुझे नहीं नज़र आ रहा, चले ई है, ये देखें ई ए 1
और वन और वन, और बी भी यहीं कहीं होगा लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा बुक के ऊपर, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको देख के तो प्लेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी थ्री और माइनस थ्री फोर है, यहाँ था ये डी मैंने लगाया, यहाँ बी था, डी उस तरफ था कहीं, ठीक है। तो वो आप देख लें, ये बी है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। बी देख लेते हैं, बी कितना है, माइनस टू एक्स है और फोर पॉजिटिव वाई है, और बी उसने डी इस तरफ लगाया हुआ कहीं, तो डी देख लेते हैं, यहाँ पे है हमारा ये है डी, डी तो ये है हमारा फोर और टू, इसके अकॉर्डिंग ये इनके पॉइंट्स का हमें पता लगता है। एक्स हमेशा पहले लिखा जाएगा और वाई हमेशा बाद में, इसका ये सीन है। चलो इसको रेज करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको रेज, ठीक है, इसको ज़रा इसके ऊपर प्लॉट करना, क्योंकि वो अभी हम शो नहीं कर पा रहे ग्राफ इसका, तो प्रॉब्लम है। अब देखते हैं, इसको हमने ग्राफ पे लगाना है। उन्होंने पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, उसके बाद उन्होंने दे दिया कि एक सेंटीमीटर का आप यू स्केल करेंगे, ठीक है। अब उसने हमें कहा है कि प्लॉट करें, ठीक है, तो इसका आप ग्राफ पेपर ले लें, ग्राफ पेपर ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, पहले तो हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये मैंने एक्स एक्सिस लगाए और ये y एक्सिस, x पॉजिटिव x नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर ज़ीरो से ऊपर जाएंगे तो y पॉजिटिव ही आएगा और नीचे जाएंगे तो y नेगेटिव। यहाँ पे आ गया O ओरिजिन, यानी ज़ीरो ज़ीरो। अब आगे एक सेंटीमीटर का डिफरेंस रख लेंगे आप, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इसका कोई नहीं है, आप जितने मर्जी लगा सकते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन और माइनस एट, इसी तरह इस तरफ भी, वन टू नेगेटिव है क्योंकि डाउन हो रहा है ज़ीरो से, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन और माइनस एट, तो ज़ीरो से ऊपर जाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। ये रिक्वायरमेंट पे होता है, आप जितने मर्जी प्लॉट कर सकते हैं इस पे पॉइंट, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। अब उन्होंने क्या, पहला पॉइंट लगाएं ए टू एंड फाइव, एक्स टू होगा और वाई फाइव होगा, दोनों पॉजिटिव हैं। ये आ गया मेरा एक्स टू और राइज हमारा फाइव तक, एक्स टू और राइज फाइव, ये हमारा आ गया ए पॉइंट टू एंड फाइव। दूसरा पॉइंट है हमारा वन एंड टू, वन और टू। अब पहला एक्स होता है हमेशा, ये हमारा एक्स है और ये वाई है, दोनों पॉजिटिव हैं, ये आ गया एक्स और ये आ गया रन हमारा हो गया वन और राइज हो गया टू, तो यहाँ पे हमारा ये आ गया बिल्कुल वन के स्ट्रेट पे आप जाएँ और फिर टू के स्ट्रेट पे आएँ, तो यहाँ पे आपका आ गया वन एंड टू। उसके बाद हमें पॉइंट दिया गया है सी माइनस टू माइनस वन, सी पॉइंट है माइनस टू माइनस वन, इट मीन्स एक्स माइनस टू है और वाई माइनस वन है। अब ये आ गया माइनस टू और ये नीचे आ गया माइनस वन, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा माइनस टू माइनस वन। उसके बाद हमें पॉइंट मिल रहा है सिक्स माइनस टू, डी पॉइंट, सिक्स और माइनस टू, तो सिक्स पॉजिटिव है, ये आ गया हमारा सिक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है, ये आ गया हमारा नेगेटिव। इसको इधर तक ले आएँ और इधर तक ले आएँ, यहाँ पे आ गया सिक्स और माइनस टू। मैं करता क्या हूँ देखें, सिक्स और इधर से माइनस टू, ठीक है, डाउन, पहले सिक्स तक रन किया फिर हम टू तक डाउन आ गए, तो ये टू तक आप यहाँ पे पॉइंट आपको ये मिल जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या पॉइंट आ रहा है, ई थ्री और माइनस टू, थ्री एंड माइनस टू। अब देखेंगे थ्री हमारा पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, एक्स, ठीक है, और एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, पहले हम जाएंगे थ्री तक रन और टू तक, फिर ये इसी पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, ये क्योंकि टू ऑलरेडी लगा हुआ था तो ये आ गया थ्री और माइनस टू। आप यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट का नेम, जो भी पॉइंट है, ई डी ए बी सी जो भी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया है एफ पॉइंट, ई के बाद एफ पॉइंट, एफ़ पॉइंट में हम देखेंगे क्या आ रहा है हमारे पास,
माइनस वन एंड माइनस टू। माइनस वन हमारा क्या आ रहा है, माइनस वन हमारा आ रहा है, ये माइनस वन आ गया, हमारा एक्स नेगेटिव है और वाई भी हमारा नेगेटिव है, ये यहाँ पे ये इधर पॉइंट इसका बन रहा है, ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया है वो, तो मे बी आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी हमारे क्वेश्चन दो काफ़ी हैं, इतने इनको सीखें और करें, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और इंटरमीडिएट बेसिक लेवल का हमारा एक ही क्वेश्चन फिर इसमें रह जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ तानिश हुसैन।